योग गुरु बाबा रामदेव विश्व प्रसिद्ध हस्तियों में शुमार हो गए हैं, जिनका वैक्स स्टैचू मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया जाएगा। मैडम तुसाद ने भारत के योग गुरु स्वामी रामदेव के सम्मान में उनकी मोम की प्रतिमा का अनावरण किया। बाबा रामदेव की नई मूर्ति न्यूयॉर्क सिटी में दुनिया के सबसे बड़े वैक्स म्यूजियम की शोभा बढ़ाएगी। विश्व प्रसिद्ध वैक्स म्यूजियम मैडम तुसाद न्यूयॉर्क ने जाने माने योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव की मोम की मूर्ति का दिल्ली में अनावरण किया। इस भव्य कार्यक्रम में बाबा रामदेव स्वयं मौजूद थे, उनके साथ आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद थे। आजतक से बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने बताया कि एक सन्यासी का इस अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम में पुतला बनाकर रखा जाना न सिर्फ सम्मान की बात है, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि अगला समय भारत का है। बाबा रामदेव के वैक्स स्टैचू को बहुत बारीकी से इसे डिजाइन किया गया है। रामदेव के वैक्स स्टैचू दिखने में बिल्कुल हूबहू उनकी नकल ही लगती है। यहाँ तक कि माथे पर बचपन में लगा हुआ घाव भी स्टैचू पर दिखाई देता है, तो शरीर पर बाल और मांसपेशियों की बनावट भी हूबहू दिखाई पड़ती है। अब आपको मैं दो तस्वीर दिखाता हूँ, ये बताइएगा इनमें असली कौन से हैं और नकली कौन से हैं। ये भी स्वामी रामदेव जी हैं, स्माइल तो दे रहे हैं, ये भी बाबा रामदेव जी हैं, स्माइल कौन से हैं? तो महाराज जी, दो दो लोग में असली कौन से हैं? ये नहीं बोलेंगे, असली कौन से हैं? पता चल गया। तो दरअसल दुनिया की वो जगह जहां अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी जगह बनाते हैं, उसमें भारत के एक संत आप शामिल होंगे मैडम तुसाद म्यूजियम में न्यूयॉर्क में। महाराज जी, देश के लिए कितना बड़ा मौका। और ये तो स्माइल देख रहे हैं दोनों की एक जैसी है, लगा था आपको एकदम हूबहू, वहां दूर से देखने में तो पता भी नहीं चल रहा असली कौन। मेरे को आशुतोष जी पूछा कि कैसा लग रहा है, मैंने कहा स्वामी रामदेव जैसा लग रहा है। एक एक बाल हाथ से लगा है, 200 आर्टिस्ट लगे हैं, 200 मेजरमेंट नाक से लेकर के, ये मैं बचपन में जब 7-8 साल का था, 5 साल का था, 5 साल का भी नहीं होगा, तब ये चोट लगी थी, मैं 2 मंजिले मकान से ऊपर से गिर गया था, जहाँ ये चोट का निशान काफी विजिबल है। हाँ, ये जो माथे पर भी बिल्कुल वैसे ही कट है। ये 2018 की बात है जब नाप दिया था आपने? हाँ, और तभी की बात है और अभी भी वैसे के वैसे ही फिगर है। और मैंने देखा ये जो कट बना हुआ, आप वो पेट में नहीं मिक्सर ग्राइंडर चला देते हैं पूरा? हाँ, ये देखिए बिल्कुल वैसे ही कट आया है। नहीं, इनकी सेहत बदली है ना आपकी सेहत बदली है। 200 मेजरमेंट्स, 200 कारीगर मिलकर के 200 फिगर्स के साथ, 200 जो आइकॉन्स हैं वर्ल्ड के, उसमें भारत के अभी 5 को रखा इन्होंने, ऐश्वर्या जी, उनकी बहू अमिताभ बच्चन जी की बहू अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान जी, ऋतिक रोशन जी, प्रियंका चोपड़ा, ऐसे 5 फिगर्स अभी वहाँ पर लगे हुए, इसको फिगर्स ही बोलते हैं ये लोग। और माने दुनिया के लोगों को ऐसे रोल मॉडल्स, ऐसे आइकॉन्स, उनसे सीखने को मिले। और ये भी अपने आप में एक आर्ट है, करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाया, ऐसे देखने में ऐसे लगता होगा, लेकिन इसका अभी इस समय भी इनके यहाँ से सिंगापुर से कहीं पर कोई कलर में चेंज तो नहीं आया, उसको कलर को मैच कराने के लिए अभी भी इनके आर्टिस्ट आए हुए। जैसे हाथों पर ये बारीकी है, जो टैनिंग के निशान कई बार आ जाते हैं और एकदम हूबहू मिलते जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो बॉडी हेयर जिनको कहा जाता है, ये कैसे मैच हुआ? आप ही कहें, कहाँ से लगाएंगे? हाँ, इन्होंने जो हेयर्स हैं ये मैच करते हुए लिए, और एक एक बाल, अब इसमें लाखों बाल है, सब हाथ से लगाए। सकता हूँ एक बार? हाँ, छुओ ना, असली है ये, प्लास्टिक नहीं, असली है, असली वाले बाल हैं ये, और ये यहाँ से छुए, एक एक बाल हाथ से लगाया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है, और ये सब प्रेरणा लेने के लिए हम, क्योंकि सनातन में हम मानते हैं व्यक्तित्व में, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो, और प्रेरणा लो कि कुछ करो, हमारे योग और कर्मयोग के कर्तव्य पथ पर आगे चल करके कुछ निर्माण करो, राष्ट्र के लिए एक नए युग के निर्माण के लिए एक अपनी भूमिका अदा करो। तो मुझे लगता उसी भूमिका के चलते उस म्यूजियम में भारतीय संत का शामिल होना, कम से कम संत समाज और अध्यात्म के लिए तो बड़ी बात। हाँ, एक सन्यासी को वर्ल्ड के सबसे बड़े वैक्स फिगर्स के इस अट्रैक्शन में मैडम तुसाद के, और एक सन्यासी को उन्होंने जो सम्मान गौरव दिया है, वह अपने आप में एक संकेत है कि आने वाली शताब्दी भारत की है, आने वाली शताब्दी योग अध्यात्म की है, और पूरी दुनिया को योग अध्यात्म के पथ पर चल कर के ही स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय का मार्ग मिलेगा। योग के अलावा युद्ध तो पूरी दुनिया में हो ही रहा है, इसलिए युद्ध नहीं, योग जीतेगा, और योग विनय मूलक, वीरता मूलक विजय का सबसे बड़ा सूत्र है।
न्यूयॉर्क के सबसे अनोखे आकर्षणों में से एक के रूप में मशहूर मैडम तुसाड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध अभिनेताओं, संगीतकारों, खेल जगत के सितारों, मॉडल्स, विश्व प्रसिद्ध नेताओं और अन्य चर्चित हस्तियों की मोम की मूर्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट।